Everyone, good evening. Welcome to Byju's Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all the exams. So I hope I'm audible, visible to everyone. Please tell me in the comment box. Good evening, Devyani, Aastha, Surbhi, Sharmila. Good evening, everyone. So आज हम करेंगे June 2020 Shift 1 के PYQs का discussion. And if you have come on our platform for the very first time, so यहाँ पर हमारी जो YouTube classes हैं जो कि regularly होती है from Monday to Sunday, उसका यहाँ पर time table है. Life sciences के जो sessions होते हैं, that is we take at 5 PM. यहाँ पर आपका schedule दिया हुआ है, you can follow this schedule and attend the classes on YouTube. Application पर भी हमारे free sessions चलते हैं. If you want to join the sessions which are there on the application, you can just download Byju's Exam Prep application from Google Play Store और आप इन sessions को attend कर सकते हैं. So आज के session में हम PYQs का discussion करेंगे 2020 June के. Questions and concepts होंगे और आज हम जो unit cover करने वाले हैं, that is genetics, right? So जितने भी questions पूछे गए थे genetics के in year 2020 June session में, वो आज हम यहाँ पर discussion करेंगे. So I hope the thing is very much clear to everyone कि आज के session में क्या होने वाला है, right? So start करते हैं हम हमारा session. यहाँ पर what kind of inheritance, just मुझे एक second का time दीजिए. मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पीछे आपको जो question छिप रहे हैं वो थोड़ा सा ठीक करती हूँ and then we'll resume in a while. So यहाँ पर हमने जो issue था उसे rectify कर लिया है. अब मैं आपको properly, मैं भी दिख रही हूँ और question भी अब आपको properly दिख रहे होंगे, right? Good evening Sumitra, good evening Sajid, Aastha, Nidhi, बहुत सारे students हैं, nice to have you all. अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर लीजिए. सो पहला क्वेश्चन जेनेटिक्स का जो पूछा गया था, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है. व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज इंडिकेटिव इन द पेडिग्री चार्ट शोन बिलो. यहाँ पर ये जो पेडिग्री चार्ट है ये बेसिकली कौन से टाइप के इनहेरिटेंस पैटर्न को इंडिकेट करता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो देखते हैं. अगर हम इस पेडिग्री को देख रहे हैं तो इस पेडिग्री को देखते हुए हमें क्या दिख रहा है कि मेल्स अफेक्टेड है और साथ में यहाँ पे एक फीमेल भी अफेक्टेड है. तो फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम होता नहीं है, इजंट इट? तो यहाँ पर वाई लिंक्ड होने के चांसेस तो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, वाई लिंक्ड तो होगा ही नहीं. अब यहाँ पर हर एक जनरेशन में इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो इसका रेसेसिव होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, जो भी है वो डोमिनेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. अब इसे अगर हम एक्स लिंक्ड के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स लिंक्ड के लिए हम इसे सॉल्व करते चलते हैं कि पहला है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. तो यहाँ पर ये जो फादर है इसके पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसके पास एक कैपिटल एक्स है और वाई है, और यहाँ पे ये जो मदर है इसके पास है स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स. अब ये फादर अपना एक कैपिटल एक्स डॉटर को देगा ही देगा, तो ठीक है ये आ गया. यहाँ पर ये जो सन है ये सन भी अफेक्टेड बताए जा रहे हैं कि सन अफेक्टेड है, और सन को इकलौता एक्स क्रोमोसोम मिलता है मदर से और मदर यहाँ पे नॉर्मल है, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट होने के चांसेस इसके पूरे खत्म हो जाते हैं. क्योंकि यहाँ पर अगर मदर हेल्दी है तो यहाँ पर ये सन को कैसे जाएगा, ये तो खैर बाहर से आ रहा है. ये जो सन है सन को अफेक्टेड बताने के लिए कोई पॉसिबल जस्टिफिकेशन नहीं है अगर यहाँ पे सिर्फ फादर अफेक्टेड है और ये डोमिनेंट की वजह से है. तो हमारा वाई लिंक्ड कैंसिल आउट हो जाता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैंसिल आउट हो जाता है. देन आता है एक्स लिंक्ड रेसेसिव. क्या ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है? तो यहाँ पर ये जो फादर है इसे हम स्मॉल एक्स और वाई कंसिडर करते हैं. मदर जो है मदर को हम हेटरोजाइगस कंडीशन में ले लेते हैं कि मदर कैरियर होगी, मदर अफेक्टेड नहीं है. यहाँ पर ये वाली ये जो डॉटर है ये डॉटर अफेक्टेड है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है एक मदर ने दे दिया हो एक फादर ने दे दिया हो. देन यहाँ पर ये जो सन है ये सन अफेक्टेड है तो इसे हो सकता है कि मदर ने दे दिया हो. ठीक है ये बात ओके हो गई. अब यहाँ पर ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव की कंडीशन है तो यहाँ पर ये जो सन्स हैं ये तो मदर नॉर्मल है, ये कैपिटल एक्स और यहाँ पर स्मॉल एक्स मान ले.
अब यहाँ पर ये जो डॉटर है, ये डॉटर को यहाँ पर नॉर्मल बता दिया गया है, राइट। और यहाँ पर ये जो सन है, ये सन को यहाँ पर नॉर्मल बता दिया गया है। तो ये वाला अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं, अगर हम सिर्फ ये वाले साइड का पेडिग्री देखें, तो यहाँ पर ये जो मदर है, ये सन को एक स्मॉल एग्स दे ही रही होगी, पर यहाँ पर सन नॉर्मल बता दिया गया है। तो क्या ये एक्स लिंक रेसेसिव हो सकता है? एक्स लिंक रेसेसिव के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये जो मदर है, इसे हम अगेन हेटरोजाइगस कंडीशन में लेते हैं। सॉरी, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो यहाँ पर मदर को हम स्मॉल ए लेते हैं, और यहाँ पर फादर को हम कैपिटल ए स्मॉल ए लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड बता रहे हैं, हो सकता है इसको फादर ने अपना कैपिटल ए दे दिया हो, तो ये यहाँ पर डिजीज है। यहाँ पर ये सन को कैपिटल ए फादर देगा ही देगा, तो ये डिजीज है। यहाँ पर ये जो बाहर से जिसके साथ यहाँ पर मैरिज शो करी जा रही है, ये भी अफेक्टेड है, पर यहाँ पर ये दोनों नॉर्मल हो रहे हैं। ये दोनों नॉर्मल, इट मीन्स कि इन दोनों के पास स्मॉल ए उनके ऊपर से आया होगा, सेकेंड जनरेशन से आया होगा। तो ये भी जस्टिफाई हो जाता है कि ये डेफिनेटली हेटरोजाइगस कंडीशन ही है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होता। पास वाला पेटिग्री देखते हैं, यहाँ पर ये जिस गर्ल से इसकी मैरिज शो करी गई है वो नॉर्मल है, तो स्मॉल ए यहाँ पर सन्स अफेक्टेड है, तो फादर ने सन्स को दे दिया होगा, मदर से नॉर्मल आ रहा है, ये पॉसिबल है। और ये वाली जो गर्ल है, इसके पास स्मॉल ए की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपका निकल के आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है, ताकि किसी को भी कोई भी डाउट ना रहे, जिसने कभी भी पेडिग्री के क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा होगा। तो यहाँ पर हमने तीनों चारों कंडीशन के लिए इसे सॉल्व कर लिया है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन है आपका बी सेक्शन का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखते से ही आपको दिख रहा है HFR एंड H पॉजिटिव, मतलब ये क्वेश्चन है आपका कॉन्जुगेशन का। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में HFR स्ट्रेन क्या होता है और F पॉजिटिव स्ट्रेन क्या होता है? हमें ये अच्छे से पता है कि HFR स्ट्रेन जो होता है, इसमें जो प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट होता है बैक्टीरियल जीनोम में, और एफ पॉजिटिव जो है इसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं होता है बैक्टीरियल जीनोम में, वो अपना अलग से रहता है। दिस इज वेरी मच नोन टू अस। तो अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन एफ सेल एफ फैक्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोजोम। तो ये तो गलत हो गया। ये तो इन्होंने किस चीज के लिए लिख दिया? ये तो इन्होंने HFR की कंडीशन लिख दी कि वो इंटीग्रल पार्ट होता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम का। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड, एफ पॉजिटिव एंड HFR आर सिनोनिमस। एफ पॉजिटिव और HFR दोनों एक ही बात है, सिनोनिम है, तो दोनों अलग बात है। एफ पॉजिटिव में प्लाज्मिड फ्री रहता है, HFR में वो इंटीग्रेटेड रहता है, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। थर्ड पढ़ते हैं, इन एफ पॉजिटिव सेल अ बैक्टीरियोफेज कैरीज द एफ फैक्टर, व्हाइल इन HFR सेल एफ फैक्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोजोम। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये इंटीग्रल पार्ट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम का। इन एफ पॉजिटिव सेल अ बैक्टीरियोफेज कैरीज द एफ फैक्टर, क्या बैक्टीरियोफेज कैरी करता है? नहीं, कॉन्जुगेशन से हो रहा है। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का क्या लेना देना? तो यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज वाला वर्ड गलत हो जाता है, तो ये भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, इन एफ पॉजिटिव सेल एफ फैक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपिजोम, व्हाइल इन HFR द एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पर ये एपिजोम के जैसे रहता है, अलग से रहता है, बैक्टीरियल मेन जेनेटिक मटेरियल अलग रहता है, प्लाज्मिड अलग से रहता है, एफ फैक्टर अलग से रहता है, एपिजोम के जैसे रहता है, व्हाइल इन HFR जो एफ फैक्टर रहता है वो इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। 24 नवंबर कल 8 बजे मेगा वर्कशॉप होने वाली है। इसमें डिस्कशन होगा हाउ टू मैनेज योर जॉब अलोंग विद CSIR प्रिपरेशन। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी जॉब में है स्टूडेंट, जो भी टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स लेना चाहते हैं, दे कैन कम एंड अटेंड दिस वर्कशॉप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड इवनिंग कविता, गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर जेनेटिक वेरिएशन। अभी आपका क्वेश्चन आ गया, हमें यहाँ पे लग रहा है कि म्यूटेशन के ऊपर ये पूछा गया है, फाइन।
Which one of the following events can lead to variation amongst the gametes produced by males of Drosophila melanogaster? यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्रोसोफिला के अंदर जो गैमीट्स के अंदर वेरिएशन है वो कौन से इवेंट से होगा, पर यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन होने डाल दिया है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर मेल्स। तो अब क्या होगा अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन नहीं हो रही है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन वाला जो ऑप्शन है वो हम कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ पर नॉर्मली बात कर रहे हैं मेल्स के बारे में, तो इम्प्रिंटिंग और इस तरह की कोई कंडीशन तो हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर आता है इज इट सेग्रीगेशन और इज इट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर जेनेटिक वेरिएशन। अब यहाँ पर जो वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन ऑब्वियसली अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ रहा है, पहले अगर दो जीन्स साथ में जा रहे थे, अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उनके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो आ जाएंगे, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने लग जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है मेलानोगैस्टर में, वहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली कंडीशन फुलफिल होगी, दैट दे आर गोइंग टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जीन्स अपने आप में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सबसे पहले दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का है और थोड़ा सा लॉजिकल है। जब भी जेनेटिक्स देखेंगे हम क्वेश्चन पेपर में, तो हमें जेनेटिक्स बहुत ही लॉजिकल एप्टीट्यूड काइंड ऑफ पोर्शन लगेगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा लाइफ साइंस और थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर इंक्लूड करके हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रवि ने पूछा है CSIR नेट मैथमेटिक्स लेक्चर, सो रवि मैथमेटिक्स की क्लासेस भी होती हैं बायजूस एग्जाम प्रेप पर, आप हमारा स्केड्यूल देख सकते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है वो किस वजह से आती है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के अंदर जब कोई भी म्यूटेशन होता है तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की वजह से मेल स्टेरिलिटी हो रही है। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है ये एक न्यूक्लियर जीन से रेस्टोर हो जाती है, ठीक हो जाती है, जिसका नाम है रेस्टोरेटर ऑफ फर्टिलिटी, और ये डोमिनेंट होता है। अगर ये हेटरोजाइगस कंडीशन में है तो भी ये इस स्टेरिलिटी को ओवरकम कर जाएगा। If a male sterile pea plant, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक मेल लिया गया जो कि स्टेराइल है, और स्टेराइल है तो यहाँ पर कौन सी स्टेरिलिटी उसे CMS है, is pollinated with fertile female pea plant। अब यहाँ पर इसका पॉलिनेशन होता है एक fertile female plant के साथ, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं fertile with RF in the heterozygous condition। अब RF जो है वो सिर्फ उसके एक ही के ऊपर डोमिनेंट है, दूसरे के ऊपर रेसेसिव है। तो यहाँ पर जो प्रोजेनी ऑब्टेन होगी ये कैसी होगी, तो हमें यहाँ पर जो कंडीशन लिखना है, हम मेल की कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल आर, इट मींस कि ये स्टेराइल है, और यहाँ पे फीमेल को कैपिटल आर एंड स्मॉल आर की कंडीशन लिख देते हैं। ये इस तरह का यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर जहां जिस भी ऑफस्प्रिंग के पास कैपिटल आर है वो फर्टाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने तरह के कॉम्बिनेशन देखने मिलते हैं, हम RR, r small r और कैपिटल R स्मॉल R करके इसकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ऑफस्प्रिंग्स इस तरह से मिल जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर जितनों के भी पास ये कैपिटल R है वो कैसे हो जाएंगे, फर्टाइल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो फर्टाइल है वो 50% है, और जिनके पास दोनों स्मॉल आर है वो कैसे है, इनफर्टाइल है। तो यहाँ पर कितनी परसेंट प्रोजेनी आपकी फर्टाइल है और कितनी परसेंट प्रोजेनी स्टेराइल है, जिसके पास स्मॉल आर है वो स्टेराइल है, और जिसके पास कैपिटल आर है वो फर्टाइल है। तो सिंपली यहाँ पर दो फर्टाइल और दो स्टेराइल, सो 50% ऑफ द प्रोजेनी इज फर्टाइल एंड 50% आर स्टेराइल। आई बात समझ में, किस तरह से हमने साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। हालांकि इसके ऊपर आपका ऑल टुगेदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ पर उसको क्लब किया है विद दिस कॉन्सेप्ट, एंड इट इज क्वाइट इजी। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट वेल।
जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, जो भी स्टूडेंट इस सेशन को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द सेशन, राइट? एंड इफ यू थिंक दिस काइंड ऑफ सेशंस आर हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज लाइक द सेशन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Fertilization of gametes containing chromosomes with duplication or deletion often result in children with disabilities. Fertilization हो रहा है gametes में जहाँ पर duplication है या deletion है किसी gene का या altogether पूरे chromosome का, तो वहाँ पर offspring के अंदर या child के अंदर disability होती है. Fact है ये. What is the probability of a couple where the male is karyotypically normal? अब यहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल अगर कैरियोटिपिकली नॉर्मल है और फीमेल के पास पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन इन हेटरोजाइगस कंडीशन प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज इफ क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस विद इन द पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन इन 26% ऑफ मियोटिक डिविजन, तो यहाँ पर इन दिस केस कंसिडर दैट फर्टिलाइजेशन विद अ गैमेट कंटेनिंग क्रोमोसोम विद डुप्लीकेशन और डिलीशन विल रिजल्ट इन दी डिसेबिलिटीज. यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिख के रखा है, इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर किन के बीच में फर्टिलाइजेशन शो किया गया है, मेल इज कैरियोटिपिकली नॉर्मल. अब यहाँ पर हम कोई भी एक कंडीशन लिख लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल है, मेल नॉर्मल है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है एक फीमेल के साथ जो कि फीमेल के अंदर जो भी प्रॉब्लम है या जो भी ये इशू जा रहा है वो एक क्रोमोसोम है. इन पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन इन हेटरोजाइगस कंडीशन, मतलब एक ही के अंदर ये इशू हो रहा है, प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज. अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो सिर्फ 26% क्रोमोसोम्स में हो रहा है, बाकी के क्रोमोसोम्स के बाकी की जगह 26% टाइम्स ही यहाँ पर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है इन दोनों के बीच में. ठीक है, तो 26% टाइम अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो यहाँ पर कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप जो ऑफस्प्रिंग इनका बनेगा उसके अंदर यहाँ पर ये डिलीशन या डुप्लीकेशन की वजह से होने वाली अबनॉर्मेलिटीज आएंगी. अब यहाँ पर इसे समझते हैं कि ये तो मेल नॉर्मल है, ठीक है, इसको तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर जो भी इशू जा रहा है ये फीमेल के अंदर जा रहा है, तो वैसे हम क्या बोलते हैं कि कितना चांसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का, क्रॉसिंग ओवर का या रिकॉम्बिनेशन का हम बोलते हैं चांसेस होता है 0 to 49%. ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे वो कितने बन सकते हैं आपके, मैक्सिमम अगर रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं तो 50% बनते हैं. ठीक है, 50% बनेंगे रिकॉम्बिनेंट्स. ठीक है, और ये 50% जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे उसके अंदर एक होगा नॉर्मल और एक होगा अबनॉर्मल. तो अगर 50% थे तो 25% के चांसेस थे जिसके अंदर डिजीज आएंगी, क्योंकि ये जो एक है ये तो नॉर्मल ही, या जो इस तरह से हम जब क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं तो एक तो नॉर्मल ही जाता है. अब यहाँ पर 26% चांसेस हैं कि गैमीट्स के अंदर ये होगा, तो 26 में से एक तो नॉर्मल बन जाएगा और एक बन जाएगा जिसके अंदर अबनॉर्मेलिटी है, डुप्लीकेशन है या डिलीशन है. तो यहाँ पर 26 का जस्ट हम हाफ कर देंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 13%. तो यहाँ पर आंसर निकल के आता है 13%. ठीक है, यहाँ पर समझ में आया कॉन्सेप्ट कि हम 13% पे कैसे पहुंचे, क्योंकि फीमेल के बारे में बात करी जा रही है. अगर यहाँ पर मेल में भी सेम चांसेस होते, सेम यही इशू होता तो दोनों का क्लब्ड होता. अब यहाँ पे फीमेल में भी सिर्फ 26% के अंदर ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये हो रहा है, तो 26% के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो वहां पर एक के पास नॉर्मल आ जाएगा और एक के पास अबनॉर्मल आ जाएगा, और बाकी के जो बचे हुए हो तो पेरेंटल टाइप ही बन जाएंगे. तो अब जहां पर भी ये जा रहा है वो जस्ट कितने होंगे, इसके हाफ ही होंगे, जो हाफ है वो तो नॉर्मल हो जाएंगे. तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आई होप ये भी सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा. जल्दी से मुझे ऑप्शन में सॉरी कमेंट में बताइए, डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? हाँ जी सरकार अमित नमस्ते. यहाँ पर लुबना ने बोला है 13% कैसे, तो लुबना वही तो मैं समझा रही हूँ कि यहाँ पर अगर हम ये इस तरह से कंडीशन लेते हैं, मैं फिर से समझा रही हूँ, ये कैपिटल ए है ये स्मॉल ए है. यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ 26% टाइम्स क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, बाकी परसेंट टाइम क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है. इट मींस कि अगर
100 गैमीट्स बन रहे हैं तो उसमें से 26 टाइम्स यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहाँ पर सिर्फ 26 में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर होने से यहाँ पर एक ये वाला जाएगा, एक ये वाला जाएगा, मतलब दो गैमीट के फॉर्मेशन होंगे। तो उसमें एक के पास तो नॉर्मल आ जाएगा, एक के पास जब अब नॉर्मल आ जाएगा तो जस्ट 26% का हाफ कर लेंगे, दैट इज 13% यहाँ पर जो है अब नॉर्मेलिटी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जीन ऑर्डर का भी है और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द जीन या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो भी बोल लें, दोनों के बीच में क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। करें स्टार्ट, टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स। टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स, आर यू पीपल फॉलोइंग? जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ट्रेट्स ए बी एंड सी रिजल्ट्स फ्रॉम रेसेसिव एलील्स दैट आर लोकेटेड ऑन वन ऑफ द ऑटोसोम। द रिजल्टिंग F1 फीमेल्स वर टेस्ट क्रॉस एंड द फॉलोइंग प्रोजेनीज वर ऑब्टेन। यहाँ पर ये सारी प्रोजेनी ऑब्टेन हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पेरेंटल टाइप है, सबसे पहले तो हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनका नंबर सबसे ज्यादा है वो आपके पेरेंटल टाइप है। तो यहाँ पर हम इन्हीं के आगे लिख देते हैं कि कौन सा पेरेंटल टाइप है और कौन सा नॉन पेरेंटल टाइप है। 350 सबसे ज्यादा है तो ये आपका पेरेंटल टाइप हो गया। देन उसके बाद आपका 380 जो है ये आपका पेरेंटल टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर बात है कि यहाँ पर पेरेंटल टाइप कौन सा है, ठीक है। तो हमने पेरेंटल टाइप आइडेंटिफाई कर लिया। देन उसके बाद हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि आपके डबल क्रॉस ओवर कौन से हैं। तो जिनका नंबर सबसे कम है उन्हें हम डबल क्रॉस ओवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने इसके सामने 10 और 15 के सामने डबल क्रॉस ओवर लिख लिया, ठीक है। तो पेरेंटल टाइप एंड आपके डबल क्रॉस ओवर हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्रॉस ट्राई करना पड़ेगी कि ये जो क्रॉस है ये कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे कंडीशन आपके पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस देन ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसको क्रॉस करेंगे तो हमारी कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती है। पहले हम ए बी के साथ जाएगा फिर सी के साथ जाएगा, तो ए पॉजिटिव देन बी एंड देन सी पॉजिटिव। देन उसके बाद आपका आ जाएगा ए बी पॉजिटिव एंड देन आपका आ जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। तो ये जो दो कंडीशन है ये आपकी डबल क्रॉस ओवर की कंडीशन को अगर फुलफिल कर रही है, इट मीन्स कि आपकी जीन सीक्वेंस ये थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर डबल क्रॉस ओवर में देखते हैं ए बी एंड सी पॉजिटिव लिखा है, ए बी एंड सी पॉजिटिव। यहाँ पर डबल क्रॉस ओवर में लिखा है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड सी, तो ये आपका कंडीशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके डबल क्रॉस ओवर तो निकल के ये आ रहे हैं जब आप ए बी सी लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका ए बी एंड सी यहाँ पर ये कंडीशन नहीं हो सकता है, क्लियर है बात। तो अब हम यहाँ पर बीच में सील रख देते हैं। अभी हमारा ए बी सी था, अब हम ए सी बी रख देते हैं। तो हम यहाँ पर पेरेंटल टाइप बनाते हैं ए प्लस सी प्लस एंड बी प्लस, और यहाँ पर हम दूसरा पेरेंट बनाते हैं ए सी एंड बी। अब हम इनके अंदर डबल क्रॉस ओवर करते हैं तो यहाँ पर आपका निकल के आता है ए प्लस सी एंड बी प्लस, और आपका जो दूसरा निकल के आता है वो आता है ए सी प्लस एंड ए सी प्लस एंड बी। तो क्या ये आपके डबल क्रॉस ओवर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो हमारा ये डबल क्रॉस ओवर था, ये डबल क्रॉस ओवर था, तो ए सी एंड बी कहीं पर है क्या? हाँ, ये आपका ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड सी ये यहाँ पर आ गया, और आपका ए बी एंड सी पॉजिटिव ये यहाँ पर आ गया। तो अब आपकी जो जीन सीक्वेंस है वो क्या निकल के आती है? ए सी बी, या आप इसको बोल सकते हो बी सी ए। तो किसी भी ऑप्शन में ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए और सी बी ए, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला है ये कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि ये ए बी सी नहीं है। आपका जो फोर्थ वाला है ये भी कैंसिल आउट हो जाता है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर आपका सेकेंड या थर्ड होगा क्योंकि सी बीच में है।
आपने इसे ए सी बी लेकर सॉल्व किया या बी सी ए लेकर सॉल्व किया, या तो इस डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं या तो इस डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे अभी सेकेंड एंड थर्ड के लिए। अभी हमारा जीन सीक्वेंस निकल के आ गया है, तो उससे हमने देख लिया कि सेकेंड या थर्ड वाला राइट ऑप्शन होगा। अब हमें डिस्टेंस निकालना है ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में, जो भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा नहीं, यहाँ पर वैसे भी हमें स्टेटमेंट जो है दो सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो हमारा वन तो रॉन्ग ही हो जाता है और हमारा फोर्थ तो रॉन्ग ही हो जाता है, तो हमारा ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो बिना किसी और फर्दर कैलकुलेशन के ही हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर मैं जो डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड बी सी है वो भी आपको कर कर बताती हूँ। क्या यहाँ तक सभी को क्लियरली समझ में आया कि किस तरह से हमने ये जीन सीक्वेंस निकाला? जीन सीक्वेंस के बेसिस पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हमें इसे सॉल्व फर्दर करना है दो के बीच में क्रॉस ओवर के लिए, कि हम ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे और हम बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स, प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स। अब हमने यहाँ पर जो सीक्वेंस निकाला है वो हमने निकाला है ए सी एंड बी, इस तरह का हमारा जीन सीक्वेंस है, ठीक है, ए सी एंड बी। तो यहाँ पर हमारा जो ए और सी के बीच में क्रॉसओवर होगा, तो उससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ए रहेगा पॉजिटिव और वो सी और बी को साथ में ले जाएगा, ए सी बी। और हमारा जो ए है वो सी स्मॉल ए सी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव साथ में ले जाएगा। इस तरह की कंडीशन हमें कहाँ पर दिख रही है? तो हम इस तरह की कंडीशन आइडेंटिफाई करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर हम ढूंढते हैं ए प्लस एंड बी सी, और तो एक तो हमें ये निकल के आ जाता है, और ए सी प्लस एंड बी प्लस, ए सी प्लस एंड बी प्लस, एक ये निकल के आता है, 35 निकल के आता है, और टोटल यहाँ पर है 1000, ठीक है। तो हमारा ए और सी के बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम डबल क्रॉस ओवर का नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, दैट इज 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके टोटल कितने ऑफ स्प्रिंग्स है? 1000 ऑफ स्प्रिंग्स है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या निकल कर आता है, सॉल्व इन द कमेंट, राइट इन द कमेंट बॉक्स, यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, टेल मी। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 0.85। तो ये हम यहाँ पर अगर निकाले तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8.5। तो हमारा ये जो ए जो जीन ऑर्डर है उसके अंदर हमारा ए और सी का जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाता है 8.5। और अगर हम बी और सी के डिस्टेंस के लिए निकालें तो हम यहाँ पर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ए सी एंड बी एंड ए सी एंड बी, ठीक है, सी एंड बी में करना है। तो ए और सी साथ में जाएगा, वो बोलेगा मुझे मेरा बी पॉजिटिव पसंद नहीं आ रहा है, मुझे नया बी चाहिए, ठीक है, तो वो नए बी के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकल कर आता है ए प्लस सी प्लस एंड बी, और यहाँ पर निकल कर आता है ए सी एंड बी प्लस। तो हम इनको ढूंढ लेंगे यहाँ पर, तो ए बी, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, और आपका ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव कहाँ पर दिख रहा है, हम जल्दी से लोकेट करते हैं उसे, ए पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव, एक ये निकल के आ रहा है, और जहाँ पर सिर्फ इकलौता बी पॉजिटिव है वो ये निकल के आ रहा है। तो हमारा 100 हो जाएगा, प्लस 85 हो जाएगा, और डबल क्रॉस ओवर तो हम लेकर हर बारी ही चलते हैं, तो यहाँ पर हम डबल क्रॉस ओवर को लेके चलेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जल्दी से इसे सॉल्व करके देखिए कि क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व इट, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग, सॉल्व इट। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 0.210 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज हमारा यहाँ पर आ जाता है 21। तो यहाँ पर हमारा बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या निकल कर आ रहा है, 21। तो हमारा डिस्टेंस के लिए भी ये सेटिस्फाई हो गया और हमारा जो जीन का सीक्वेंस है उसके लिए भी ये सॉल्व हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया? सो ये आपका एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जो सीएसआईआर अक्सर पूछता है। सो यहाँ पर ये हमें पता होना और इसे सॉल्व करना आना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बाय सी एस आई आर, तो ये कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है। किस तरह से जीन सीक्वेंस निकालते हैं, किस तरह से डबल क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई करें, किस तरह से ऑर्डर ऑफ जीन निकाला, डिस्टेंस निकाला, इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती है। आपने यहाँ पर से सीखा डबल क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई करना, सिंगल क्रॉस ओवर, पेरेंटल टाइप, यहाँ पर आपने जीन ऑर्डर निकालना देखा, देन यहाँ पर आपने जीन डिस्टेंस भी देख लिया। तो ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन दिस क्वेश्चन, टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स।
यस क्लियर, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है लॉर्ड स्कोर के ऊपर, ठीक है। लॉर्ड स्कोर का भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर डेफिनेटली जब पहली बार करते हैं तो दिक्कत जाती है। यहाँ पर जब भी आप लॉर्ड स्कोर में, आपको दिखता है 1, आपको लॉर्ड स्कोर में दिखता है 2 और लॉर्ड स्कोर में दिखता है 3, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं लॉर्ड स्कोर मुझसे, उन्हें पता ही है कि जैसे ही 1 दिखेगा तो हमें 1 के आगे एक 0 लगाना है, जब 2 दिखेगा तो 1 के आगे 2 0 लगाना है, और जब हमें 3 दिखेगा तो हमें 1 के आगे 3 0 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना चांसेस है, यहाँ पर इतना चांसेस है और यहाँ पर इतना चांसेस है। दिस इज हाउ वी सॉल्व इट, ठीक है। तो अब यहाँ पर द टेबल गिवन बिलो शोज द लॉट स्कोर वैल्यू ऑफ 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ जीन्स स्टडीड फॉर असेसिंग इफ दे आर लिंक्ड पेयर्स। तो यहाँ पर फॉलोइंग कंक्लूजन है, यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया लॉट स्कोर 1 क्या बता रहा है, लॉट स्कोर 2 क्या बता रहा है और लॉट स्कोर 3 क्या बता रहा है। तो हम यहाँ पर इन तीनों जीन पेयर के लिए जो कंडीशन लिखी है वो कंडीशन हम देखते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट, राइट। तो पहले देखते हैं, फॉर जीन पेयर 1 द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन्स बीइंग लिंक्ड इज 10 टाइम्स मोर लाइकली देन देम असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 1 है, तो वो बिल्कुल सही बात है, इसे हम यहाँ पर राइट कर देंगे। फॉर जीन पेयर 2 द लॉट स्कोर 2 इंडिकेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीन्स बीइंग लिंक्ड इज ट्वाइस। तो भैया ये तो 100 टाइम्स हो जाता है, ट्वाइस नहीं होता है। जब आपको 2 दिखेगा लॉट स्कोर, इट मींस आपके दिमाग में 100 क्लिक होना चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है द जीन्स ऑफ पेयर 1 एंड 2 कैन बोथ बी कंसिडर्ड एज लिंक व्हाइल द जीन ऑफ पेयर 3 एग्जिबिट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर तो जो थर्ड वाला है उसके अंदर 1000 टाइम्स चांसेस हैं कि वो लिंक्ड होंगे, तो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाता है। द जीन ऑफ पेयर 3 कैन बी कंसिडर्ड एज लिंक, यहाँ पर सबसे ज्यादा लिंकेज होगा क्योंकि इसका 1000 टाइम्स चांसेस है लिंक्ड होने का, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आता है दैट इज 1 एंड 4। यहाँ पे मुझे क्षितिजा ने पूछा है 10 प्लस 15 क्यों लिया, क्योंकि क्षितिजा हर बार जब डबल क्रॉस ओवर होगा तो डबल क्रॉस ओवर के अंदर जो आपकी क्रॉसिंग ओवर है वो हर में होगा, वो ए और सी के में भी होगा और बी और सी में भी होगा। मतलब वहां पर हमने तो ए सी भी आइडेंटिफाई किया था, और तो ए सी में भी होगा और सी बी में भी क्रॉस ओवर होगा, मतलब वहां पर आपका दोनों केस होंगे, तो आप डबल क्रॉस ओवर की कंडीशन तो हर बारी लोगे ही लोगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, टेल मी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जीन ए इन माउस इज नीडेड फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल साइज। माउस इज ट्रेन विद डिलीशन ए एंड ए डेल हैव बीन डेवलप्ड व्हेन द फॉलोइंग क्रॉस इज मेड। अब इस तरह का अगर क्रॉस होगा तो ऑल द प्रोजेनी आर ऑफ नॉर्मल साइज, यहाँ पे सारी प्रोजेनी जो मिल रही है वो नॉर्मल साइज की है, ठीक है। व्हेन द F1 प्रोजेनी विद द फॉलोइंग जीनोटाइप, पर F1 के अंदर जब सेम तरह का क्रॉस होगा तो 50% जो है वो स्मॉल साइज के हैं, तो ये किसे इंडिकेट कर रहा है। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अगर फर्स्ट जो पेरेंटल जनरेशन है तो वहां पर ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल, पर F1 जनरेशन के अंदर यहाँ पर आपको जो ऑफ स्प्रिंग है वो 50% आपको अलग दिखते हैं, तो यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है इसका। तो जब इस तरीके की कोई कंडीशन है कि वो अपना खुद का जीनोटाइप ना फॉलो करते हुए ये कोई ऐसा जीनोटाइप फॉलो कर रहा है जो कि पेरेंटल से आ रहा है, जो पेरेंट्स से आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली जो खुद के जीन्स है वो अपना इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रही है बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसे थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ कि यहाँ पर ये ए डेल ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए कैपिटल ए, अगर इस तरीके की हम एक क्रॉस लें तो इनके जो आपको ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे वो कितने के पास ए डेल होगा, आपके ए डेल कितने के पास जाएंगे, 2 के पास आपके ए डेल जाएंगे, बताओ ए डेल 2 के पास जाएंगे क्या, इतना समझ में आता है क्रॉस न बनाते हुए भी। फिर भी यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई अगर कर दूँ तो मैं ए के ऊपर डी लिख देती हूँ और एक ए नॉर्मल बना देती हूँ, एक ए नॉर्मल ये नॉर्मल, तो यहाँ पर आपका एक ए डेल ए ए ए ए डेल एन ए, ये सबको समझ में आया। तो ये वाली जो F1 है यहाँ पर 2 इस तरह के, पर ये सभी नॉर्मल साइज के ग्रो कर रहे हैं, पर
पर जब इनके ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है या इन दोनों के ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, तो वहां पर 50% आपके स्मॉल साइज के बनते हैं। मतलब ये खुद के जीन से अफेक्ट नहीं हो रहा है, ये अपने पेरेंटल जनरेशन से अफेक्ट हो रहा है। और वो भी कौन हमेशा कैरी कर रहा होता है, वो हमेशा मदर कैरी कर रही होती है। तो यहाँ पर कोई मदर के जीन का इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है कि जीन इनहेरिट हो रहे हैं, मदर से आ रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम पे है तो आ रहे हैं, इनहेरिटेंस नहीं है। तो इनहेरिटेंस हटा देंगे, पेरेंटल इम्प्रिंटिंग हटा देंगे। अब यहाँ पर या तो मेटर्नल इम्प्रिंटिंग हो सकता है या तो मेटर्नल इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये मेटर्नल इम्प्रिंटिंग की मेटर्नल जो है, मेटर्नल जो भी जीनोटाइप था उसकी वजह से डिपोजिशन हुआ ऑफस्प्रिंग में, और वो डिपोजिशन की वजह से उस ऑफस्प्रिंग का इस तरह का आउटकम रहा। तो ये जो क्लासिकल एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये स्नेल की जो कर्लिंग होती है, जो स्नेल का शेल होता है उसके अंदर सेंस्ट्रल और डेक्स्ट्रल जो उसका एक शेल टाइप होता है उसके लिए पूछा जाता है। पर यहाँ पर माउस को लेके क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, उसको बिल्कुल ही उसका जो आंसर है वो बहुत ही ऑब्वियस सा है, पर हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। सो आई होप ये समझ में सभी को आ गया, इनहेरिटेंस हो रहा है। चलो अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही लॉजिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है। अब यहाँ पर इन अ मैमल कोट कलर इज गवर्न्ड बाय जीन कैपिटल बी। यहाँ पर एक मैमल है, उसका जो कोट कवर कवर है वो गवर्न हो रहा है एक कैपिटल बी जीन से, ठीक है। द कोट कलर इज आइदर ब्लैक और ब्राउन डिपेंडिंग ऑन वेदर द जीनोटाइप इज कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये नहीं कहा गया है कि कैपिटल बी है तो ब्लैक होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो ये ब्राउन होगा, इस तरह का कुछ भी नहीं कहा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बल्कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये नहीं पता है कि कौन सा ब्लैक से हो रहा है और कौन सा ब्राउन से हो रहा है, ठीक है। द जीनोटाइप स्मॉल बी स्मॉल बी, अब उसी की जगह स्मॉल बी आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, एल्बिनो हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन सा ब्लैक है कौन सा ब्राउन है ये नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पर अब द जीनोटाइप स्मॉल सी स्मॉल बी स्मॉल सी, अब यहाँ पर दो जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो कह रहे हैं कि ये जो स्मॉल सी है ये किसी भी कंडीशन में हो बी के साथ ये हमेशा एल्बिनो देता है, मतलब ये कलर वाला जो जीन है उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, ये यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। अब इस कंडीशन के साथ में हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो अभी कंडीशन है, क्वेश्चन अब आएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं एन एल्बिनो मेल वॉज क्रॉस विद ब्राउन फीमेल एंड द रिजल्टिंग प्रोजेनी हैड इंडिविजुअल्स विद आइदर ब्लैक और ब्राउन कोट्स। अब इस ऑब्जर्वेशन से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी पेरेंटल टाइप ली गई होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेल के लिए प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करती हूँ। मेल एल्बिनो मेल है, ठीक है, एल्बिनो मेल है। तो एल्बिनो मेल की कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है हम लिखते हैं। सबसे पहले तो ये स्मॉल सी हम सोच लेते हैं कि ये स्मॉल सी होगा तो ये तो एल्बिनो ही कर देगा, तो एक इसके साथ ये एल्बिनो कर सकता है, ये स्मॉल सी एक कैपिटल बी स्मॉल बी को एल्बिनो कर सकता है, और ये स्मॉल बी तो खुद ही एल्बिनो करता है फिर भी उसके साथ स्मॉल सी जाएगा तो ये एल्बिनो की कंडीशन होगी। ये कंडीशन लिखना आना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो फीमेल है, कही गई है कि फीमेल का तो ब्राउन कलर कोड था, अब जो फीमेल है इसका ब्राउन कलर कोड था, तो यहाँ पर जो आपका सी है ये कैपिटल सी होगा क्योंकि यहाँ पर ये एल्बिनो नहीं है कलर्ड है, तो अब ये बी के आगे कुछ भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि फीमेल कैसी है, फीमेल ब्राउन है और जो मेल है वो है एल्बिनो, तो ये मेल की तीन कंडीशन हो सकती है। अब इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली वाली जो लाइन दी गई है ये आपकी दी गई है मेल के लिए, और जो दूसरी वाली ये सीक्वेंस दी गई है ये फीमेल के लिए दी गई है। तो फीमेल में तो हमने एक ही निकाल के रखी है, तो हम फीमेल के लिए देख लेते हैं। जहां पर कैपिटल सी हो तो इन्होंने सभी में कैपिटल सी करा हुआ है, तो इट मींस कि फीमेल के बेसिस पे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम इसे सॉल्व कर पाएंगे मेल के बेसिस पर। तो हम मेल के लिए देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर ऑब्वियस है और कौन सा नहीं ऑब्वियस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो लिखा है क्या पहली कंडीशन यहाँ पर आ रही है, हाँ ये इन्होंने यहाँ पे ले रखा है तो शॉर्ट सा टिक लगा दिया। देन स्मॉल सी के साथ यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी लगा रखा है, ठीक है, ये भी इन्होंने लिख रखा है तो ये भी हो सकता है।
देन स्मॉल बी एंड स्मॉल सी की कंडीशन कहीं ले रखी है क्या इन लोगों ने? नहीं ले रखी है, तो ये दोनों हमारे कट हो जाएंगे। अब हमें ढूंढना है ए और बी के बीच में कि अब आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो, अब आपका जो पेरेंट है वो इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई होना जरूरी है, तो कौन सा हो सकता है? अब यहाँ पर इनकी फीमेल तो दोनों की कॉमन है, तो हम यहाँ पर फीमेल लिख देते हैं इस तरह की। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहां तक कैसे पहुंचे हम? इतना समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पर आगे सुनते हैं कि यहाँ पर पहली वाली कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं कि कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल बी स्मॉल सी और यहाँ पर कैपिटल सी ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसके जो गैमीट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कैपिटल बी स्मॉल सी गैमीट बनेंगे, इसके जो गैमीट बनेंगे वो कैपिटल बी कैपिटल सी बनेंगे और स्मॉल बी और कैपिटल सी इसका गैमीट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले दोनों साथ में जाते हैं तो भी कोई कलर देंगे क्योंकि स्मॉल सी नहीं है, ये दोनों साथ में जाएंगे तो भी ये क्या देंगे आपका? कोई ना कोई कलर देंगे क्योंकि ना स्मॉल सी साथ में है और ना स्मॉल बी साथ में है, क्योंकि यहाँ पर तो एक तो कैपिटल बी आ ही रहा है, तो ये तो भैया बिल्कुल होने के पूरे चांसेस हैं आपका ए वाला। ठीक है, तो ए वाले को हमने अभी टिक करा है। अब हम जो बी वाला है उसे सॉल्व करते हैं कि इसकी कंडीशन में क्या होगा। कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी तो इसके कौन से गैमिट बनेंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी गैमिट बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल सी गैमिट बनेगा, इसका कैपिटल बी कैपिटल सी गैमिट बनेगा और इसका स्मॉल बी कैपिटल सी गैमिट बनेगा। ठीक है, ये दो गैमिट इनके बन गए सेकेंड कंडीशन के लिए वी आर सॉल्विंग। तो यहाँ पर जब इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो कैसा ऑफस्प्रिंग मिला? कलर्ड मिला, तो हमने यहाँ पर बी लिख दिया कि हाँ इसका कलर था कोट। फिर उसके बाद ये वाला जब इसके साथ मिला तो भी यहाँ पर आपका कोट कलर्ड था, ये वाला जब इसके साथ मिला तो भी कोट जो आपका कलर्ड था ब्लैक मान लो ब्राउन मान लो जो भी वो कलर दे रहा है वो दे रहा है। अब यहाँ पर मेन ट्विस्ट की बात है, यहाँ पर ये स्मॉल बी और ये कैपिटल सी स्मॉल सी अगर ये साथ आ जाते हैं तो इसके पास कलर बनाने वाला तो बी है ही नहीं। कैपिटल सी स्मॉल सी वाली ये जो कंडीशन है यहाँ पर इसके पास कलर बनाने वाला बी तो है ही नहीं कैपिटल, तो ना ये ब्लैक बनाएगा और ना ये ब्राउन बनाएगा। और क्वेश्चन में लिखा है कि इनके जो ऑफ स्प्रिंग है ये ब्लैक या ब्राउन कोट में ही होते हैं, पर यहाँ पर तो ये आपका एल्बिनो हो जाएगा, तो इस वजह से बी वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और इकलौता आपका ऑप्शन जो सही निकल के आता है वो है ऑप्शन नंबर वन। बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिसको नहीं दिख रहा है वो प्लीज यहाँ पर अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। बताओ, टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ सी एस आई आर। ठीक है, अपनी स्क्रीन का रेजोल्यूशन आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2020 जून मॉर्निंग शिफ्ट के जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप और पीवाईक्यू सॉल्व करिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और जिस भी स्टूडेंट्स को सीएसआईआर की तैयारी करना है दे कैन ज्वाइन अवर फाउंडेशन कोर्सेज एंड यू कैन इवन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। एंड मेरे पीछे का जो नहीं दिख रहा था, मैंने इतना वहां पर कुछ बहुत ज्यादा सॉल्व किया था क्या? मैं एक काम करूंगी कि ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन वाली जो पूरी एज इट इज पीपीटी है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है उनके लिए यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज बायोफिक्स बाय फरीदा। आपको मैं ये वाली पीपीटी अभी क्लास के बाद इमीडिएटली विद इन अ मिनट शेयर कर दूंगी, तो यू विल बी गेटिंग द सोल्यूशन ओवर देयर। ठीक है, इरम एंड रेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीएसआईआर इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर यू कैन ज्वाइन अवर फाउंडेशन कोर्स ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप एप्लीकेशन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग सेशंस लाइक दिस एंड थैंक यू वेरी मच एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम बी हैप्पी एंड कीप ऑन स्टडिंग।